आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय माँ चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अपने घर की लगन कैसे करते हैं नमान मंत्र के माध्यम से, इस विषय कर ऊपर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहले जान लेते हैं नमान मंत्र के माध्यम से हम क्यों घर की लगन अपना करेंगे। तो पहली चीज है, नमान मंत्र में जैसे आप जानते हैं तीन बीज अक्षर रहते हैं, ऐम ह्रीम क्लीम। ऐम जो है वो माता महासरस्वती को समर्पित होता है, ह्रीम जो है वो माता महालक्ष्मी को समर्पित है, और जो क्लीम है वो माता महाकाली को समर्पित है। तो ऐम ह्रीम और क्लीम, ये तीनों मंत्र की जब ऊर्जाएं आपके घर किलन में हेल्प करेंगी, यानी कि तीन लेयर या फिर माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों शक्तियां आपको सुरक्षा प्रदान करेंगी। इसीलिए नमान मंत्र के माध्यम से घर किलन सबसे अच्छा माना जाता है। तो आज का वीडियो इसके ऊपर है तथा आज का विधि में इसके ऊपर बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं आपको क्या कर लेना है। चतुर्दशी, अमावस्या या फिर अष्टमी, इन तीन तिथियों में से किसी एक दिन चॉइस कर लीजिए। अमावस्या या फिर चतुर्दशी है बहुत उत्तम है, अष्टमी है भी चलेगा। आपको क्या करना होगा, माता रानी के अपने घर जिधर मंदिर है, माता रानी का अगर मूर्ति है बहुत अच्छा है, फोटो है भी अच्छा है चलेगा, घी का दीपक जला लीजिए माता के आगे, माता को दूध की मिठाई का भोग दीजिए, उनका विधिवत पूजन कीजिए, हाथ में संकल्प लीजिए कि मैं अपने घर किलन के लिए माता आपके नवान मंत्र का 5000 जप करूंगा और 500 से 1000 के अंदर आहुति दे दूंगा। ये बोल के आपको संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के बाद आपको सिद्ध रुद्राक्ष की माला से आपको 5000 नवान मंत्र जप करने पड़ेंगे। जप करने के बाद आपको क्या करना होगा, हवन देना है। हवन कैसे देंगे, मैं हवन का प्रोसेस आपको बता दूं। हवन कुंड जो है, हवन कुंड के जो बालू होता है, बालू के नीचे आपको 4 किल रख देने हैं, 4 किल रख दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, उस बालू के ऊपर आप जैसे लकड़ी बिछा के जैसे हवन करते हैं हवन कीजिए। हवन जो होगा देसी गाय के घी में गुगल मिला के या फिर हवन सामग्री मिला के आप दे सकते हैं। देने के बाद आपको उत्तम होगा कि आप 1008 आहुति दे दें, इसे बहुत उत्तम तरह का किलन होता है। ये आपको दीर्घ 1 साल तक प्रोटेक्ट करेगा, ये किलन बहुत प्रभावी किलन है, बहुत और तीव्र किलन माना जाता है। और एक चीज का ध्यान रखिए कि इस किलन करने से पहले अपने घर को पहले एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के घर में ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जियां रह जाती हैं और वो घर किलन कर देते हैं, यानी कि उनको नेगेटिव एनर्जियां घर के अंदर है और बाहर से किलन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जियां घर के अंदर ही रह जाएंगी और वो बाहर निकल नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो इसके पहले अपने घर का एनालिसिस थोड़ा करवा लीजिए किसी भी साधु से, संत से, किसी साधक से या फिर जो भक्त होते हैं, भगत होते हैं, उनसे करवा लीजिएगा, इससे आपका सेफ्टी हो जाएगा। तो ये जब एनालिसिस करवाने के बाद आप कर सकते हैं। हवन दे दीजिएगा, हवन में आपको पुण्याहुति देना है, पुण्याहुति सूखा नारियल डाल के पुण्याहुति कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, अपने घर के चारों तरफ वो कील को लेके जमीन के नीचे डाल देना है। अभी कैसे डालेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक बेल का पत्ता लीजिए, बेल के पत्ते के ऊपर आपको नवान्न मंत्र लिखना है, नवान्न मंत्र लिखिए और उसके ऊपर वो कील रख के एक रोली के सूता जो धागा होता है, लाल कलर का धागा, लाल के धागे या फिर जो मोली होता है उसमें भी लपेट के आप उसके आपको गाड़ देना है आपके घर के चारों साइड। और अपने हाथ में अपने घर के आगे खड़े हो जाइए और माता को ऐसे हाथ में ऐसे फूल लेके माता को आपके घर के और देखिए, बोलिए कि हे माता, मैंने कील गाड़ दिया है और आप हमारे घर के सुरक्षा कीजिए, बोल के आपको इस तरह से छोड़ देना है। और ध्यान रखिए, मैं आपको एक चीज बोल दूं कि ऐसी जगह गाड़ना है जिस जगह किसी का पैर ना पड़े या फिर किसी का कोई जूठा वूठा डाल देते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पी ली, उसका डब्बा उधर डाल दिया, उस जगह पे ना गाड़िएगा, थोड़ा उससे दूर करके गाड़िएगा, जहां किसी का पैर, हाथ पैर या फिर कहां उधर कोई नहीं जाता उस जगह पे गाड़ दिए। देखिएगा 1 साल के लिए आपको बहुत फायदा मिलेगा, 1 साल के बाद आप ये क्रिया फिर से कर सकते हैं। या फिर अगर आप चंडी कवच पढ़ रहे हैं तो चंडी कवच में भी बोल दीजिएगा कि जो बाहर कील है वो उनका जागृत करते रहे। तो ये घर किलन का सबसे बहुत उत्तम प्रयोग माना गया है। या फिर अगर ये नहीं कर सकते, अगर मैं और एक बता दूं, अगर आपके घर के चारों तरफ वो कील नहीं गाड़ सकते तो आपको क्या करना है, घर के जो दरवाजे हैं, दरवाजे के ऐसे दो तरफ जो होते हैं, दो तरफ आपको कील गाड़ देना है। कील गाड़ दीजिए आपके जो बेडरूम है या फिर जिधर आपका प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार के दो तरफ ऐसे कील मार दीजिएगा, जिसकी वजह से घर में एंट्री ना हो सके, वो एंट्री का एंट्री नहीं हो सकता। जितने भी दरवाजे आपको घर के अंदर लाते हैं उन सारे दरवाजों में वो कील मार दीजिएगा, जिसके वजह से एनर्जियां नहीं आती हैं। पहला अगर आपको अच्छा लगा पहला भी कीजिए, तो अगर पहला थोड़ा कॉस्टली है, दूसरा बहुत ईजी है,
दरवाजे की दोनों साइड गाड़ दीजिएगा तो भी अच्छा हो जाएगा। तो दूसरा सबसे ईजी है, दूसरा कर सकते हैं आप। तो यही था आज का वीडियो, सभी को अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप सभी लोगों तक पहले मिल जाए पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, सभी को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर।